राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव है और इसी को लेकर पार्टियों ने तो अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन उपचुनाव को लेकर जो इनसाइड स्टोरी है उसके बाद आपको ये भी समझ में आएगा कि आखिर राजस्थान में उपचुनाव में होता है क्या, कौन सी पार्टी का ज्यादा दबदबा देखने को मिलता है। अगर विगत 10 वर्षों की बात करें तो राजस्थान में 16 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, इसमें सबसे आगे रही है कांग्रेस। अब 7 सीटों पर उपचुनाव है, अगले माह चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी, लेकिन 7 में से 4 सीटों पर कांग्रेस का दबदबा था तो वहीं 1 सीट पर बीजेपी और 2 सीटों पर अन्य पार्टियां काबिज थी। अब जो चुनाव होंगे उसमें किस तरीके के सियासी गणित देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में एक एक सीट का आपको विश्लेषण समझाते हैं। सबसे पहले पूर्वी राजस्थान की दौसा सीट पर लेकर चलते हैं, तो दौसा में गुर्जर, मीणा और ब्राह्मण जो फैक्टर है वो काम करता है, और अगर सबसे ज्यादा चलने की बात करें तो मुरारी लाल मीणा और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की यहाँ पर चलती है। मुरारी लाल मीणा वहां से विधायक थे, अब वो वहां से सांसद हैं, सांसद बनने के बाद ही दौसा की सीट खाली हुई है। ऐसे में यहाँ पर भी कांग्रेस बाजी मार सकती है। अगर बीजेपी यहाँ पर प्रयास करती है तो एक ही बात है कि क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 7 महीनों में या 9 महीनों में ऐसा कौन सा काम किया है विगत जो सरकार में इनका कार्यकाल बीता है सरकार बनने के बाद, क्या दौसा की सीट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी को फिर से काबिज करने में कामयाब होते हैं या फिर नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन इस सीट पर गुर्जर, मीणा और ब्राह्मण फैक्टर देखने को मिलता है। तो वहीं देवली उनियारा की बात करें तो यहाँ पर भी मीणा और गुर्जर जो फैक्टर है वो काम करता है, अगर एक पार्टी मीणा को मैदान में उतारेगी तो दूसरी पार्टी गुर्जर को उतारेगी। यहाँ पर भी कांग्रेस का दबदबा था, देखना यह होगा कि इस बार इस सीट पर कौन सी पार्टी काबिज होती है। उसके बाद लेकर चलते हैं आपको झुंझुनू, अगर झुंझुनू की बात करें तो यहाँ पर जाट और अन्य जो फैक्टर हैं वो काम करते हैं, कांग्रेस का इस सीट पर दबदबा था, कांग्रेस का विधायक था लेकिन सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई। अब क्या बीजेपी इस सीट को जीतने में कामयाब होगी या फिर कांग्रेस का दबदबा कायम रहेगा। उसके बाद आपको लेकर चलते हैं रामगढ़ सीट पर, तो रामगढ़ सीट पर कांग्रेस जो है वहां पर कांग्रेस एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐसी एक राजनीति है वहां पर, तो वहां पर अधिकतर कांग्रेस ही जो है वो जीतने में कामयाब होती है। इस बार क्या वहां पर माहौल देखने को मिलता है ये बात अलग है, लेकिन अगर खींवसर की बात करें तो खींवसर सीट पर भी जाटों का अच्छा खासा दबदबा देखने को मिलता है, लेकिन जाटों के बावजूद भी खींवसर की जो राजनीति है वो हनुमान बेनीवाल के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए यहाँ की जीत और हार में हनुमान बेनीवाल की बड़ी भूमिका रहेगी। उसके बाद अगर सलूम्बर सीट की हम बात करते हैं तो सलूम्बर में लगातार 10 वर्ष से बीजेपी का विधायक रहा है, अब बीजेपी इस सीट पर क्या इस बार भी जीत दर्ज करने में कामयाब होगी या फिर कांग्रेस वहां पर जोर लगाएगी और क्या कांग्रेस इस सीट को निकालने में कामयाब होगी। उसके बाद अगर 84 की बात करें तो 84 सीट पर ना बीजेपी का अच्छा दबदबा देखने को मिलता है ना कांग्रेस का मिलता है, ये आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी पार्टी के रूप में वहां उभरी है भारतीय आदिवासी पार्टी, राजकुमार रावत वहां से विधायक थे अब वो सांसद है, इस सीट पर चुनाव होना है तो इस सीट पर जो है वो आदिवासी वोट बैंक हावी है, आदिवासियों की जो राजनीति है और जो बाप पार्टी है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका दबदबा इस सीट पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर राजस्थान में जो 7 सीटों पर चुनाव हैं उसमें हमने देवली उनियारा की बात की, झुंझुनू की बात की, रामगढ़ की, सलूम्बर और 84 और जो खींवसर है उसकी बात की। देखना ये होगा कि जिस तरीके से पिछले 10 वर्ष का अगर इतिहास हम देखें तो सबसे ज्यादा जीत दर्ज उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी करती है। दो ही सवाल हैं, क्या कांग्रेस पार्टी इन उपचुनावों में भी अपना परचम लहराएगी या भजनलाल सरकार में ऐसे कोई काम हुए हैं जिनकी वजह से जो वोटर हैं उनका मन बदलेगा और बीजेपी को वो मत देंगे और बीजेपी इन सीटों पर जीतने में कामयाब होगी। ये तो खैर उपचुनाव के परिणाम ही बताएंगे, लेकिन अगर पहले के इतिहास की बात करें तो उपचुनाव में सबसे ज्यादा दबदबा कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला है। महेंद्र बासुटाल, लोकमत हिंदी, जयपुर।